तो आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया में लॉन्च हो गया है ओप्पो का एक नया स्मार्टफोन ओप्पो K1 के बारे में। स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस क्या है, जो लोग रियलमी 2 प्रो, मैं खास कर उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग रियलमी 2 प्रो का फ़ोन खरीद कर रखे या जिनके पास स्नैपड्रैगन 660 वाला एक स्मार्टफोन है, क्या उनको अपग्रेड करना चाहिए ओप्पो K1 के जैसे कि स्मार्टफोन के लिए, क्या वो जस्टिफाई करता है अपने प्राइस के अंदर, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हर वीडियो में अमेजन, पेटीएम या फ्लिपकार्ट 3 में से किसी एक गिफ्ट कार्ड का गिव अवे करते हैं। पूरे वीडियो में देखते रहिए, जिधर भी आपको गिफ्ट कार्ड देखने को मिलेगा वहाँ पर जाकर आप उसको रिडीम कर सकते हैं। पेटीएम का आपको लिंक मिलेगा जो कि आपको गूगल पे टाइप करना है और डायरेक्टली आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए एक छोटा सा हमारा इंट्रो लोगो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या है ओप्पो के K1 के अंदर। इंट्रो लोगो आपने देख लिया होगा, बात करता हूँ ओप्पो K1 के अंदर तो सेम कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता है जैसा कि आपको रियलमी 2 प्रो देखने को मिल रहा है। जो लोग रियलमी 2 प्रो यूज़ करें, सेम टू सेम वैसा ही फ़ोन है आपको, सेम आगे वाटर ड्रॉप टॉर्च आपको देखने को मिल रही है, बैक आपको ग्लास देखने को मिल रहा है। इसके अंदर एक नई चीज़ इंप्लीमेंट की गई है जो कि है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो है इन डिस्प्ले वाला, तो आपको डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा ना कि पीछे बाजू, तो इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल रहा है। और जो स्क्रीन है वो IPS को हटाकर एमोलेड स्क्रीन कर दी गई है। ये दो फ़र्क है अगर मैं कहूँ रियलमी 2 प्रो के अलावा, तो रियलमी 2 प्रो अगर आपके पास है तो सिर्फ यही दो फ़र्क है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और एमोलेड स्क्रीन। एमोलेड स्क्रीन तो ठीक है, अच्छा है कि अच्छा आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है रियलमी से, पर इन डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट की तो वो मुझे इतना प्रैक्टिकल लगता नहीं है, जबकि फ्यूचर वही है, पर मुझे इतना प्रैक्टिकल लगता नहीं है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, क्योंकि वो इतना सेफ़ नहीं है और इतना एक्यूरेट भी नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल रहा है 25 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट AI कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। OS वही है, कलर OS आपको रियलमी में मिलता है, वही सेम OS आपको, कलर OS आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। आगे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है, जबकि हालांकि रियलमी के अंदर कुछ बताया नहीं गया है क्या है। 4GB 64GB वाला मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। 16+2 मेगापिक्सल का आपको पीछे कैमरा देखने को मिलेगा, जो सेम शायद तक रियलमी का भी कुछ वैसा ही है। मैं खुद रियलमी 2 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, सेम प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 660, प्रोसेसर में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ दो ही मेजर चेंजेस है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसके अलावा जो चेंजेस है वो है एमोलेड स्क्रीन। एमोलेड स्क्रीन वाला चेंजेस अच्छा है, पर इन डिस्प्ले वाला मेरे को इतना खास लगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर अभी भी आपको माइक्रो USB देखने को मिल रहा है, टाइप सी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो एक मतलब नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि भाई साहब माइक्रो USB अभी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ़ोन की जो प्राइस है वो है 16,990 रुपये, यानी कि 17,000 रुपये का वो फ़ोन है। तो जिस 17,000 के अंदर आप अगर अभी भी आप टाइप सी ही टाइप माइक्रो USB दोगे तो कोई मतलब नहीं, कम से कम टाइप सी तो आपको देखना देना ही चाहिए था। तो आपको ये जल्दी देखने को मिल जाएगा 3500 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी देखने को मिल रही है, सेम रियलमी जैसे ही है, जो कि टिपिकली 1 day कवर नहीं करती, कर देती है अगर उनका OS इतना कस्टमाइज नहीं है, इतना अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ OS नहीं है, तो एक दिन मुश्किल से चलती है रियलमी की बैटरी। में मेरी बात कर रहा हूँ, 3D वेरिएंट आपको बॉडी देखने को मिलती है पीछे आपको, तो एक ब्लैक कलर है और एक ब्लू पर्पल कलर को ग्रेड करके दिया गया है, बस इतना ही है, ज़्यादा और कुछ मेरे को इसके अंदर खास लगा नहीं। तो अगर आप अभी रियलमी यूज़ कर रहे हो, रियलमी का कोई 2 प्रो या ऐसा कोई स्मॉल फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 660 है, तो मेरे ख्याल से कुछ परचेज़ करने लायक डील नहीं है। देखो परफॉर्मेंस तो सेम ही रही, जो उसकी परफॉर्मेंस थी वही सेम परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस में देखने को मिलने वाली, तो परफॉर्मेंस वाइज तो कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस आपको डिज़ाइन वाइज थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, एमोलेड स्क्रीन और इन डिस्प्ले, अगर आपको वो सब चाहिए तो आप कंसिडर कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से तो कुछ वर्थ नहीं है अभी भी माइक्रो USB भाई सब चीज़ में। आजकल तो बेसिक फ़ोन के अंदर भी आपको 10,000 के फ़ोन के अंदर भी टाइप सी देखने को मिल रहा है, तो आप खा माइक्रो USB लेके घूम रहे हो, तो देख लीजिए अब आपके ऊपर है आपको कंसिडर करना है नहीं करना है। मैं कहूँ तो वर्थ नहीं है, बस इतना ही इसमें वीडियो में कहना था। मिलेंगे इसी तरीके से और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।